बाड़वाला के राजावाला जंगल में हुए अवैध पातन के मामले में शुक्रवार को वन विभाग की टीम कॉम्बिंग करने पहुंची। डीएफओ देहरादून ने बताया है कि प्रमुख वन संरक्षक के निर्देश पर जंगल की कॉम्बिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि कॉम्बिंग करने में समय लग जाएगा क्योंकि जंगल बड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कॉम्बिंग हो जाने के बाद रिपोर्ट प्रमुख वन संरक्षक को सौंपी जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि राजावाला जंगल अवैध पातन मामले में याचिकाकर्ता राकेश उत्तराखंडी ने हाईकोर्ट में रिट दायर की थी, जिसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने प्रमुख वन संरक्षक और जिलाधिकारी देहरादून को कड़ी फटकार लगाई है। उसके बाद विभाग हरकत में आया था। चक्राता से महेश रावत की रिपोर्ट। यानी संदीप कौशिक और चिंपू द्वारा ये पूरे भरे मामले को जो है साफ कर दिया गया था और चार चार पांच पांच गुंडे बंदूकधारी रखकर लोगों को डराने धमकाने का काम करता था। लेकिन जब जब भी ऐसे भस्मासुर पैदा होते हैं तो निश्चित रूप से भगवान राम सेवकों को जरूर भेजते हैं। आज भी हम लोग, जब मैंने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करी तो कई जो कालसी डीएफओ थे वो यहाँ पर नहीं आए, लेकिन हम धरने पे बैठे तब यहाँ पर आए। उस टाइम जो पेड़ गिने गए थे मात्र 147 पेड़ थे, लेकिन 147 पेड़ ना, मुझे भी संदेह था। उसके बाद हम हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करी और अभी एक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखंड प्रमुख वन संरक्षक को भेजा गया, जिस दिन हम उस दिन भी आए। खैर वही बीच में भी इन लोगों ने द्वारा हमारे ऊपर हमले हुए और उस दिन भी यहाँ बदतमीजी हुई, मेरा गला पकड़ा गया, गाली गलौच हुई, लगातार ये लोग मेरे पे हमला कर रहे हैं। और आज भी जो है, जब मुख्य प्रमुख वन संरक्षक द्वारा जब मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया, नीतीश मणि त्रिपाठी जी जो डीएफओ देहरादून है उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई कि जो कॉम्बिंग का जो मामला है ये दोबारा गिना जाए, दोबारा बताया जाए, तो 1654 पेड़ तो ऑलरेडी आ चुके हैं और ऐसे भू माफियाओं को सरकार जरूर पनिशमेंट करेगी। और दूसरी बात, ये हमें कह रहे हैं कि प्राइवेट लैंड में क्यों आ रहे हैं, तुम कौन हो? तो मैं बता दूं संदीप कौशिक जी, मैं हाईकोर्ट में याचिका करता हूं, मैं वो व्यक्ति हूं जो पर्यावरण संरक्षण कर रहा हूं और मैं वो व्यक्ति हूं जिन्होंने माननीय प्रमुख वन संरक्षक ने यहां पे एक टीम बनाई है और टीम के माध्यम से आप एक सदस्य के तौर पे मैं यहां पे आया हूं और उस सदस्य के तहत यहां पे जांच टीम में मैं शामिल हूं, मैं वो हूं। और रही बात पत्रकारों की, आप पत्रकारों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मैं बता दूं कि पत्रकारों के साथ बदतमीजी करना आपको ज़्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ है। पत्रकार, ये वो पत्रकार है जो आपके हाथों नहीं बिके, ये वो पत्रकार है जो बेखौफ से अपनी खबर चलाते हैं। बाकी पत्रकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी अलाउड होता है, क्योंकि जो आईडी दिखाकर सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं। पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दर्ज करने की धमकी बात कही जा रही है, लगातार जो यहाँ पर चिंपू उसके द्वारा बात कही जा रही है, पत्रकारों को डराया धमकाया जा रहा है। कुछ नहीं, जिनके ऊपर इस राजा वाला प्रकरण के ऊपर 11 मुकदमे दर्ज है और 4 मुकदमे अन्य दर्ज है, या आप पत्रकारों को बिल्कुल भी ऐसे लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि पत्रकार डर गया तो समाज डरेगा, समाज डरेगा तो निश्चित इस देश का बर्बाद होगा, देश बर्बाद होगा। आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों से निपटने के लिए हम खड़े हैं और तत्पर रहेंगे। जब जब भी ऐसे भस्मासुर ऐसे फनों को हम कुचलने का काम करेंगे, चाहे हमें इसमें अपने प्राणों की आहुति भी देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, तुम कौन हो, तुम क्या हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें हम लोग अंतिम रूप देखे रहेंगे। प्रमुख वन संरक्षक महोदय को माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया था कि इस क्षेत्र का भ्रमण कर लें और सुनिश्चित कर लें और देख लें कि कितने पेड़ कटे हैं और कोई अवैध कार्य क्या क्या हो रखे हैं इस क्षेत्र में। तो उसके संबंध में प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा एक समिति गठित की गई है डीएफओ देहरादून की अध्यक्षता में। उसी क्रम में आज यह समिति इस क्षेत्र का भ्रमण कर रही है और चूँकि क्षेत्र बड़ा है और ठूठों को गिनती में समय लगेगा, तो समिति आगे आगामी कुछ दिनों तक यहाँ पर विजिट करती रहेगी जब तक कि उसकी रिपोर्ट कंप्लीट ना हो जाए। और एक बार जब रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो प्रमुख वन संरक्षक महोदय के समक्ष और फिर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। प्रथम दृष्टया जांच क्या पाया? अभी प्रथम दृष्टया ऐसे जांच नहीं बताई जा सकती, क्योंकि कई केसेस भी, ये प्रकरण विगत कई वर्षों से संबंधित है और उसमें वैधानिक रूप से भी जो हमारे S2 केसेस में कई सारे पेड़ कटे हुए हैं, तो सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो पेड़ विभाग के संज्ञान में थे कटे हुए हैं उससे इतर कितने पेड़ कटे हुए हैं, तब विषमता प्राप्त
पता चलेगी कि कितनी है। सर विभाग कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है? हाँ, कुछ विभागीय कर्मचारियों पे जिनकी शिथिलता प्रथम दृष्टया देखने को मिली है उन पे उच्च स्तर से कार्रवाई की गई है। राजस्व के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई है और प्रकरण अभी गतिमान है, इसीलिए कॉम्बिंग इत्यादि हो रही है। भविष्य में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि किसी और की भी संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर भी उच्च स्तर से विचार किया जाएगा कि कार्रवाई करनी। सर रेंज और बीट स्तर पर कार्रवाई है क्या, इसमें और अधिकारी संलिप्त नहीं? अभी ये तो कहना उचित नहीं होगा क्योंकि प्रकरण में अभी जांच में गतिमान है। जब एक बार जांच पूर्ण होगी उसके बाद ही इस पर कुछ कमेंट किया जा सकता है।